तो आपको पता है कि दुनिया का पहला शिवलिंग कहाँ पर आया था? वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तमिलनाडु में था, लेकिन उत्तराखंड के लोग मानते हैं कि जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, जागेश्वर धाम, तो वो अल्मोड़ा के पास है। इसे भी वैसे ज्योतिर्लिंग की उपाधि मिलनी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब पुराना मंदिर ये बना हुआ है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये नहीं आता है ये मंदिर। लेकिन बहुत ज़्यादा मिथ्या है कि ये मंदिर भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में आता है और कुछ नहीं आते हैं। सो गाइस, आदि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब का आदि ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में मैं आपको लेके आया था द्वाहार से लेके जागेश्वर तक, और उसके बाद मैं आपको लेके आया हूँ आज जागेश्वर टेम्पल। ये मंदिर क्या है, बहुत पुराना, कई सदियों पर, मतलब सोचिए कि आपके 1000 शताब्दी का बना, कत्यूर वंश के राजाओं द्वारा जैसे मंदिर बनते हैं उसी पुनरावृत्ति पर ये मंदिर बना हुआ है। 125 मंदिरों का समूह है, और बिल्कुल अल्मोड़ा से करीब 35 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ वाले रास्ते पे ये मंदिर है। और सबसे जो रेलवे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वह है काठगोदाम, और सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वह है पन्नगर। अगर आपको आना है तो अगर बाई बस आप हल्द्वानी से कैसे भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं आपको, हम लोग का मन में मकसद था यहाँ पर पूजा करने के, हम लोग को तो हम लोग पूजा करने आए थे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने का जो हमने पूजा की थी उसके अंश और थोड़ा बहुत इस मंदिर का व्यू आपको दिखाता हूँ। जी, आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, ये मेन रोड है, ये गेट से उधर जूता स्टैंड है। तो ये कुछ मंदिर, ओम श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम नागेश द्वारक के नाम है मंदिर परिक्रमा पथ ऐसा है। देखिए 125 मंदिरों का समूह यहाँ पर स्थित है, जिसमें आपका वह ब्रह्मकुंड स्नान है, फिर उसके बाद सेकंड में मुख्य द्वार है। पहले पीछे ब्रह्मकुंड पड़ता है, वहाँ अपने स्नान करना है पीछे, फिर उसके बाद मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, फिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर के द्वार पर हनुमान मंदिर है, पुष्टि माता मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर है, हवन कुंड है, केदार मंदिर है, कमल कुंड है, बटुक भैरव है और कुबेर मंदिर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं, और ये मेन जो मेन मंदिर है जागेश्वर धाम का, ये है सामने। तो आप देखो यहाँ पर भी एक मंदिर है और एक मंदिर वह है। तो वो एक पेड़ हम देख रहे हैं ना बड़ा सा, उस पेड़ की भी मैं आपको भी कहानी बताऊंगा कुछ देर में। स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्रजातम् अदित्रजनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः शक्राजानं समर्पयामि ओम श्री कंठाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम गुराय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम गंगाधराय नमः, लाटाक्षाय नमः, ओम कालकाशीषेन्द्रेण लग्नकुंडी मध्ये विशेषस्थितानां राहुग्रह अतिसंतुष्टकरणार्थम् अष्टम स्नानस्थितानां विशेष होमग्रह शुभग्रह अंगारक मध्ये विशेष मुक्तकरणार्थम् विशेषतानां भारस्थितानां चंद्र ओम महासन्नो देवी तो मंदिर विजिट जो हमको कराएंगे वो कराएंगे मिस्टर हर्षित पांडे। चलिए दिखाइए कौन कौन सा मंदिर कहाँ पे है। बैग अपने साइज से बड़ा लड़का है पीठ में, बच्चों के स्कूल में क्या था आजकल। तो बताइए मेन मंदिर कौन सा है, पहले मेन मंदिर ले चलेंगे हमको है। Thank you.
मुख्य मंदिर जो श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है, नागेश द्वारिका बने, तो ये मंदिर मेन मंदिर यहाँ पे स्थित है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे 108 मंदिर और हैं जो मतलब जिसमें शिवलिंग लगे हुए हैं। एक शिव जी का मंदिर सामने और है, उधर मैं आपका आपको लेके जाऊँ इस साइड में, तो इधर भी देखें छोटे छोटे मंदिर है। तो हमें टोटल ये 125 मंदिर है। और थोड़ा और आगे भी मंदिर है, कुबेर जी का मंदिर है, तो ऐसे मंदिर हैं। यहाँ पर केदारनाथ जी का भी मंदिर है और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और नीलकंठ जी का मंदिर है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे तांडेश्वर मंदिर है, हर मंदिर का अपने नाम है और पुरातन शैली पे बने मंदिर हैं सारे के सारे। जैसे वहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर है, ये केदारनाथ मंदिर है, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेड़, ये बोलते हैं अर्धनारीश्वर। देखिए इन दोनों पेड़ों की, इन दोनों पेड़ की एक ही जड़ है और ऊपर जाके दोनों पेड़ एक आता है, तो इसे थोड़ा ये अर्धनारीश्वर के रूप में है, तो इसे इसलिए अर्धनारीश्वर वृक्ष बोलते हैं। देखो सो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवमी, जय उत्तराखंड।